नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए हिंदी ग्रामर क्वेश्चन। हिंदी ग्रामर का जो आज का हमारा क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये 9वीं में आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको 12th तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये आपके 12th तक चलने वाला है। ठीक है, तो आप इसे 9वीं में ही याद कर लीजिए अगर 9वीं में है तो, और अगर आप 11th 12th या 10th में हैं और अगर अभी तक आपने ये याद नहीं कर रखा है या आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो कहानी और उपन्यास में अंतर आपको बताना है तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कहानी होती क्या है, कहानी और उपन्यास दोनों होते क्या हैं, इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस कहानी कहानी क्या होती है? तो कहानी जो है वो किसी मनुष्य के जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। कहने का मतलब, जब किसी मनुष्य के जीवन के किसी एक खंड का हम चित्रण करते हैं या उसके साथ घटने वाली कोई एक घटना का हम वर्णन करते हैं तो उसे हम कहते हैं कहानी। और उपन्यास क्या होता है? तो उपन्यास में जो मनुष्य होता है, जो व्यक्ति होता है, उसके संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। यहाँ पे पूरे जीवन के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अंतर की। तो पहला पॉइंट क्या आता है कहानी का? तो पहला पॉइंट है, कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है जैसा कि मैंने आपको बताया है, और उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट। तो कहानी का आकार छोटा होता है और उपन्यास का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। उसके बाद हम देखते हैं, कहानी में प्रारंभ से अंत तक भाव की सघनता बनी रहती है। क्या बता रखा है यहाँ पे? कि कहानी में प्रारंभ से अंत तक भाव की सघनता बनी रहती है, अर्थात कहानी को जब हम स्टार्ट से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जब शुरुआत करते हैं, उसके बाद जब तक इसकी एंडिंग होती है तब तक हमें इसमें इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्ट आता रहता है और हमें कुछ भाव जैसे नज़र आते रहते हैं ना। और उपन्यास में क्या होता है, प्रत्येक स्थल प्रभावी नहीं होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कहानी लगभग आधे घंटे में पढ़ी जा सकती है, क्योंकि जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है तो छोटे से टाइम में हम निपटा सकते हैं, लेकिन जो उपन्यास है उसको पढ़ने में लंबा समय लगेगा क्योंकि वो संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। ठीक है गाइस, इसके बाद हम देख लेते हैं उदाहरण। तो उदाहरण में हम देख लेते हैं इसका महाभोज हो जाएगा, और अगला उदाहरण इस तरफ अगर हम देखते हैं उपन्यास में तो कफन हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार से आपके उदाहरण है, तो आप इसको लिख के पांचवा पॉइंट भी आपका कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम उपन्यासकार और कहानीकार। तो पहला उपन्यासकार हमारे क्या लिखेंगे हम, जयशंकर प्रसाद, और उनकी जो उनका जो उपन्यास है वो क्या हो जाएगा, तितली। क्या लिखा हुआ उन्होंने, तितली। उसी प्रकार एक कहानीकार हम देखते हैं फिर से जयशंकर प्रसाद, और इनकी जो कहानी का नाम है वो आकाशदीप। यहाँ पे दोनों सेम इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको याद एक ही रखना पड़ेगा, और अगर बाई चांस एग्जाम में पूछ लेते तो सिर्फ आपको इनकी रचनाएं अलग अलग याद रखनी पड़ेगी, बाकी आप नाम एक याद रख सकते हैं। तो गाइज, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन और आप इसे याद भी कर पाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे इसे नोट कर लीजिए, और उसके बाद अपनी एग्जाम के लिए इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने पहले भी बताया है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके 9th से 12th तक के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।